दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस लाइफ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मकर संक्रांति देश के लगभग सभी राज्यों में अलग अलग सांस्कृतिक रूपों में मनाई जाती है। इस त्यौहार का हर प्रांत में अलग अलग महत्व है। खासकर इस त्यौहार में सूर्य वंदना, पतंग उड़ाने और तिल गुड़ खाने तथा दान पुण्य करने का खास महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन क्या करना चाहिए, क्या शुभ शुभ करना चाहिए जिससे कि आपके घर में धन लाभ हो, सुख शांति बनी रहे, क्या दान करना चाहिए मकर संक्रांति के दिन। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान और दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन सूर्य दक्षिण से उत्तरायण होते हैं, जिसका मतलब होता है सूर्य उत्तर की दिशा की ओर बढ़ते हैं। इस दिन से दिन बड़े और रातें छोटी होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, जनवरी के महीने का सबसे बड़ा त्यौहार मकर संक्रांति बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है और इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। 15 जनवरी को भी मनाई जाती है। इस दिन सूर्य दक्षिण से उत्तरायण होते हैं, जिसका मतलब होता है सूर्य उत्तर की दिशा की ओर बढ़ते हैं। इस दिन से दिन बड़े और रातें छोटी होनी शुरू हो जाती है। ज्योतिष शास्त्रों की मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति पर सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं, जिसे मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति सभी तरह के शुभ कार्य दोबारा से आरंभ हो जाते हैं। मकर संक्रांति पर पवित्र नदियों में स्नान, पूजा पाठ और दान करने का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, मकर संक्रांति पर हमें क्या क्या दान करना चाहिए, किन चीज़ों का दान करना चाहिए जिससे कि भगवान हमसे खुश हो सके। सबसे पहले है तिल का दान। मकर संक्रांति पर सबसे ज़्यादा तिल का दान करने की परंपरा होती है। शास्त्रों में मकर संक्रांति को तिल संक्रांति भी कहा जाता है। काले तिल और तिल से बनी चीज़ों को दान करने से पुण्य लाभ मिलता है। शनि देव को विशेषकर प्रसन्न करने के लिए तिल का दान किया जाता है। इसके अलावा सूर्य देव और भगवान विष्णु भी तिल का दान करने से प्रसन्न होते हैं। मकर संक्रांति पर तिल दान करने के पीछे एक कथा है। दरअसल शनि देव देवता ने अपने क्रोधित पिता सूर्य देवता की पूजा करने के लिए काले तिल का ही प्रयोग किया था। इससे प्रसन्न होकर सूर्य देव ने वरदान दिया था कि जब भी वह मकर राशि में आएंगे तो तिल से उनकी पूजा करने और तिल का दान करने से वो प्रसन्न होंगे। इस दिन तिल का दान करने से शनि दोष भी दूर हो जाता है। मकर संक्रांति को खिचड़ी भी कहा जाता है। इस दिन खिचड़ी का दान करना और खिचड़ी करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। मकर संक्रांति पर चावल और काली उड़द की दाल की खिचड़ी के रूप में दान किया जाता है। काली उड़द के दाल से शनि देव प्रसन्न होते हैं, जिससे व्यक्ति की ऊपर से शनि दोष दूर होता है और चावल के दान से करने से अच्छे फल प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति पर गुड़ का दान करना और गुड़ से बनी चीज़ों को खाने से विशेष लाभ होता है। ज्योतिष शास्त्रों में गुड़ का संबंध गुरु ग्रह से होता है। मकर संक्रांति पर गुड़ दान करने पर शनि, गुरु और सूर्य तीनों प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति पर नमक का भी दान करने की प्रथा है। नमक का दान करने से विशेष तरह का लाभ मिलता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मकर संक्रांति पर नमक के दान से अनिष्टों और बुरी ऊर्जाओं का नाश होता है और आपका बुरा वक्त भी टल जाता है। इसलिए नमक का दान मकर संक्रांति के दिन शुभ माना जाता है। कुंडली से शनि और राहु के दोष को खत्म करने के लिए मकर संक्रांति पर ऊनी कपड़े का दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन किसी गरीब, जरूरतमंद या फिर किसी आश्रम में ऊनी कपड़े, कंबल का दान जरूर करना चाहिए। इससे बहुत लाभ होता है और
भगवान भी बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। मकर संक्रांति के दिन देसी घी और इससे बनी मिठाइयों का दान करना बहुत ही शुभ होता है। घी का संबंध गुरु और सूर्य से होता है, इसी कारण से मान सम्मान, यश और भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति के लिए मकर संक्रांति पर देसी घी का दान किया जाता है। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान के बाद गरीबों को रेवड़ी का दान करना बहुत ही शुभ होता है। मकर संक्रांति पर गरीबों और जरूरतमंदों का नए कपड़े का दान करना भी चाहिए, इससे भी बहुत शुभ होता है। मकर संक्रांति के दिन गाय को हरा चारा खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा के बाद शनि देव को प्रसन्न करने के लिए तेल का दान करें। नदी में स्नान करना, माना जाता है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनि देव को नाराजगी त्याग करके उनके घर गए थे, इसलिए इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य हजार गुना हो जाता है। इस दिन गंगा सागर पश्चिम बंगाल में मेला भी लगता है। दोस्तों, दान, इस दिन तिल गुड़ या रेवड़ी का दान किया जाता है। इस दिन गरीबों को या जरूरतमंदों को दान देने से पुण्य हजार गुना हो जाता है। इस दिन घी का दान करने से करियर में सफलता मिलती है। इस दिन तिल गुड़, कंबल, घी, वस्त्र और खिचड़ी का दान करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।